प्रकाश की अविश्वसनीय गति। यह एक ऐसी गति है जो हमारी कल्पना से भी परे है। प्रकाश बहुत तेज चलता है। यह इतनी तेजी से चलता है कि इसे पकड़ पाना असंभव है। यह लगभग 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है। यह लगभग 186,282 मील प्रति सेकंड है। यह गति इतनी तेज है कि यह एक सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7 बार घूम सकती है। यह गति ब्रह्मांड में किसी भी चीज से तेज है। कोई भी वस्तु या ऊर्जा प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। प्रकाश की गति से हम समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में दूरियां कितनी ज्यादा है। यह हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। हम सितारों और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। यह लगभग 5.88 ट्रिलियन मील के बराबर है। इसे ऐसे समझो, जब हम किसी दूर के तारे को देखते हैं तो हम उस तारे के उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जो हम तक पहुंचने के लिए कई वर्षों तक यात्रा कर चुका होता है। यह एक अद्भुत तथ्य है। इसका मतलब है कि हम उस तारे को उसके अतीत में देख रहे हैं। हम वास्तव में उस तारे का वर्तमान नहीं देख रहे होते। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में एक नियम है। यह एक स्थिरांक है जो कभी नहीं बदलता। यह हमें अंतरिक्ष और समय को समझने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और हम इसमें कैसे फिट होते हैं। देखा जा सकने वाला विशाल ब्रह्मांड, यह एक ऐसा विषय है जो हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। देखा जा सकने वाला ब्रह्मांड मतलब वो सब कुछ जो हम पृथ्वी से देख सकते हैं। यह हमारे अस्तित्व और हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक गोला है जिसके बीच में हमारी पृथ्वी है। हम इस गोले के केंद्र में खड़े होकर चारों ओर देख सकते हैं। देखा जा सकने वाले ब्रह्मांड का किनारा हर तरफ लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि हम जो सबसे दूर की चीजें देख सकते हैं, उनका प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए अरबों सालों से यात्रा कर रहा है। यह प्रकाश हमें ब्रह्मांड के अतीत की झलक दिखाता है। जब हम इन दूर की चीजों को देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं। यह एक तरह से समय यात्रा करने जैसा है। देखा जा सकने वाला ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसकी विशालता हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है। इसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। ये तारे और आकाशगंगाएं मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और आकाशगंगाओं के बीच की जगह खाली नहीं है। यह स्थान गैस, धूल और अन्य तत्वों से भरा हुआ है। इसमें गैस, धूल और रहस्यमय डार्क मैटर है। डार्क मैटर एक ऐसा तत्व है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड भी फैल रहा है। यह फैलाव हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद से यह लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आकाश गंगाएं समय के साथ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह प्रक्रिया हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आकाश गंगाएं असंख्य और रहस्यमय। आकाश गंगाएं तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर के बहुत बड़े समूह है। ये कई आकार और रूप में आती है। कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल होती हैं, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे आकाश गंगा। कुछ अंडाकार या फिर अनियमित आकार की होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि देखा जा सकने वाले ब्रह्मांड में खरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अरबों या खरबों तारे होते हैं। इन तारों में से कई के आसपास ग्रह भी घूम रहे होते हैं। हम अभी भी आकाश गंगाओं के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। नई नई खोजें होती रहती हैं। आकाश गंगाओं का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के विकास और संरचना को समझने में मदद करता है। हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप, हमारे आकाश में आंखें। ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं। ये टेलीस्कोप हमें उन चीजों को देखने की अनुमति देते हैं जो हम पृथ्वी से नहीं देख सकते। ये पृथ्वी के वातावरण के ऊपर चक्कर लगाते हैं, जिससे इन्हें ब्रह्मांड का साफ दृश्य दिखाई देता है। पृथ्वी का वातावरण अक्सर हमारे देखने की क्षमता को बाधित करता है, लेकिन ये टेलीस्कोप इस बाधा को पार कर लेते हैं। हबल पिछले 30 सालों से ब्रह्मांड को देख रहा है। इसने हमें ब्रह्मांड के कई अनदेखे पहलुओं को दिखाया है।
इसने आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। हबल ने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। हबल ने दूरस्थ आकाश गंगाओं और निहारिकाओं की बहुत ही सुंदर तस्वीरें ली हैं। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च हुआ था। यह टेलीस्कोप हबल की तुलना में अधिक उन्नत तकनीक से लैस है। यह हबल से भी अधिक शक्तिशाली है। इसकी शक्ति और संवेदनशीलता हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। जेम्स वेब ब्रह्मांड को अवरक्त प्रकाश में देखता है। यह हमें उन चीजों को देखने की अनुमति देता है जो सामान्य प्रकाश में नहीं देखी जा सकती। यह इसे गैस और धूल के पार देखने की अनुमति देता है, जिससे छिपे हुए तारे और आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं। यह हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह टेलीस्कोप हमारे आकाश में आंखों की तरह है। यह हमें उन चीजों को देखने में मदद करते हैं जो हमारी नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती। यह हमें पहले से कहीं अधिक दूर और साफ देखने में मदद करते हैं। इनकी मदद से हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से हम यह समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना और यह कैसे काम करता है। भाग 5, क्या और भी हो सकता है? मल्टीवर्स। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन क्या एक से ज्यादा ब्रह्मांड हो सकते हैं? मल्टीवर्स का विचार कहता है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है। मल्टीवर्स एक बहुत ही रोचक अवधारणा है। यह थियोरेटिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी पर आधारित है। अभी तक मल्टीवर्स का कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह वैज्ञानिकों के बीच चर्चा और शोध का विषय है। मल्टीवर्स कैसा हो सकता है, इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि बाकी ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से बहुत अलग हो सकते हैं। उनके भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं या उनके आयाम अलग हो सकते हैं। भाग 6, बुलबुला ब्रह्मांड, एक कॉस्मिक फोम। मल्टीवर्स के बारे में एक विचार बुलबुला ब्रह्मांड का है। यह विचार कहता है कि हमारा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक फोम में एक बुलबुले की तरह है। बाकी ब्रह्मांड अलग अलग बुलबुले की तरह है। ये ब्रह्मांड कॉस्मिक इन्फ्लेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से बने होंगे। इन्फ्लेशन शुरुआती ब्रह्मांड में तेजी से विस्तार की अवधि है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि इन्फ्लेशन से कई बुलबुला ब्रह्मांड बन सकते थे। हर बुलबुला ब्रह्मांड के अपने भौतिक नियम और स्थिरांक होंगे। ये ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग होंगे और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। भाग 7, समानांतर ब्रह्मांड, हमारी अपनी ही परछाई। एक और विचार समानांतर ब्रह्मांड का है। ये ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ मौजूद होंगे। ये हमारे ब्रह्मांड से बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे अंतरों के साथ। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां आपने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक अलग चुनाव किया था। वह अलग चुनाव उस समानांतर ब्रह्मांड में आपके लिए पूरी तरह से अलग परिणाम ला सकता है। समानांतर ब्रह्मांड का विचार साइंस फिक्शन में बहुत लोकप्रिय है। यह एक ऐसा विचार है जो कल्पना को जगाता है। भाग 8, कई दुनिया, हर चुनाव एक नई वास्तविकता। क्वांटम यांत्रिकी की कई दुनिया व्याख्या मल्टीवर्स पर एक और दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई क्वांटम माप किया जाता है, तो ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में विभाजित हो जाता है। हर नया ब्रह्मांड माप के एक अलग संभावित परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। एक ब्रह्मांड में कण ऊपर घूम सकता है, दूसरे ब्रह्मांड में यह नीचे घूम सकता है। यह व्याख्या बताती है कि अनंत ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड एक अलग संभावित इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 9, प्रमाण की तलाश, एक मल्टीवर्स रहस्य। मल्टीवर्स एक बहुत ही रोचक अवधारणा है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी सिर्फ एक विचार है। मल्टीवर्स के अस्तित्व को साबित या अस्वीकृत करने के लिए कोई सीधा प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक मल्टीवर्स के प्रमाण की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। वे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में विसंगतियों की तलाश कर रहे हैं। यह विकिरण बिग बैंग की एक फीकी चमक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य ब्रह्मांडों के साथ टकराव से इस विकिरण में पता लगाने योग्य पैटर्न मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।
भाग 10 ब्रह्मांड अजूबों से भरा हुआ, अभी और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। हम लगातार नई नई खोजें कर रहे हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। मल्टीवर्स का विचार उन अद्भुत विचारों का सिर्फ एक उदाहरण है जिनकी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते रहेंगे, हमें और भी अजूबे और रहस्य मिलते रहेंगे। ज्ञान और समझ की तलाश एक अंतहीन यात्रा है, और ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।